बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम आरिया स्टूडेंट्स। आज बेटा इस वीडियो में आप लोगों के साथ नाइन्थ क्लास उर्दू बेटा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का बेटा मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल एमसीक्यूज हैं जो कि आपने याद करके जाने हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा अगर आप लोग इन चीज़ों को तैयार करके जाए। सो एमसीक्यूज हैं पहले बेटा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हवाले से। बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेशक फर्स्ट टाइम के हैं सेकंड टाइम के हैं, आपने कोशिश करनी है कि दोनों पेपर याद करें ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाए। नबूवत का डैश साल शुरू हुआ अक्सर सहाबा डैश मदीने पहुंच के 12वां 10वां 13वां 14वां। मौलाना ताफ सैन हली का भाई वतन था दहली, लखनऊ, आगरा या पानीपत। ठीक है, आपने इसमें से बताना है कि भाई वतन उनका कौन सा था। इसी तरह सबक पंचायत के मुसन्नफ कौन है, सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद, मिर्जा दीव या कर्नल मोहम्मद खान। सबक अदरियाज में कर्नल का बंगला कम बेश कितने एकड़ कितना जमीन में वाकया था, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़। लामा मोहम्मद इकबाल किस साल में फौत हुए, 1938 में। ठीक है, ये 35 है, सॉरी 1938 आएगा इसका आंसर, ये वाला बेटा इसका आंसर है। दिली कवि के विकार डालने से इंसान माइल हो जाता है जर्माना मुर्साना वहशियाना बातों की तरफ। मिसरा मुकम्मल आतिश गम में दिल भुना, यकीनन कबाब हबाब या शायद। अल्लाह का कदा किस में मगर रहता है, कमली में, चादर में, दुनिया में, दौलत में, कमली में। असबक रामा स्कूल में डॉक्टर मियाँ के लिए क्या इलाज तजवीज़ किया था, वर्जिश, रामा स्कूल, परहेज या ऑपरेशन। आई थिंक ये रामा स्कूल था। ठीक है, सैयद इम्तियाज अली ताज ने उम्र पाई थी 50 साल 20 साल 70 साल या 80 साल। नट की मोनसैन, नटनी, नीटा, नटी, नटनी। मुलक की जमा है ममालक। खाली जगह में मुनासिब अफाज लगाएं, अपने काम को डैश से पाक रखा। नफ्स नक्श नकूस या मदरजाल में मतरादफ के दुरुस्त फ्रीज, इसमें मतरादफ आप लोगों ने बताना है कि क्या होता है। ठीक है, सो खूर्द का मतजाद है, खूर्द का उलट आपने बताना है, खारजा, खादम, धरग या करा। इसी तरह बेटा ये दूसरा पेपर है आपको यहाँ पर जो है या पेपर दिख रहा होगा। जबले सोर वाक़ मक्का, मदीना, ताइफ या जद्दा। जनाब मीर को हजूर ने सलाया था, चारपाई पर, पलंग पर, पलंग पर। महताब बाग में टहल रहे थे जोक, गालब, हालिया, शफी। अख्तर किस ड्रामे का करदार है, लहू और क्लीन, रामस्कून, कदरिया या इम्तिहान का। फहमीदा के बेटे का नाम था नसू, अकबर, सलीम या जमन। कौन सा दरख्त अब फिर से बड़ा हुआ होगा, गाँव का, दोस्ती का, सेहन का, घर का। मरातुल अरूस की सनफ है अदब, ड्रामा, अफसाना, नावल, मजमून। नजम हमर के लिए दो काफ़ी लिखी, गदा अदा, तेरा तेरा, कुदरत तक। नजम बरसात की बहार में किस परिंदे का जिक्र है, मोर, बुलबुल, तोता या तितर। ठीक है, मीरता के मीर ने लबों को तशबिया दी है, अहबाब से, शराब से, गुलाब से या कबाब से। मोहब्बत का मतजाद है, उलट बताना जी नफरत। कौन सा लफज मुजक्कर है, लिहाज, बारिश, बहार या कुदरत। मोनस लफज की निशानदेही करें, जाड़ा, मिल्लत, चमन या बू। राई का वहद है, आला, रायत, रवा या राय। मदरसा की जमा जी मदारस। ठीक है, तो बड़े ये आपके एम सी क्यूज हो गए। अब मैं आपके साथ पेपर शेयर करता हूँ जो उसमें आप लोगों के साथ तशरीह शेयर करूँगा और कौन सी कहानी दरख्वास्त आनी है वो आपके साथ शेयर करते हैं और इसी तरह बेटा इसका पेपर शेयर करते हैं। सो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। और बेटा ये यहाँ पे देखे स्कीम मैंने अपलोड कर दी हुई है तो बेटा आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से वीडियो को लाइक कर दें। और बेटा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेटा वीडियो को लाइक लाजमी कर देना ताकि वीडियो बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, ये दोनों काम आपने करने हैं। चलिए बेटा अब मैं बताता हूँ बेटा आपने ये जो तशरीह वगैरह ये आपने लिख लेनी है कहीं पर। ठीक है, या इनको निशान लगा लें या स्क्रीन शॉट कर लें और इनको याद करें। जचता नहीं नजरों में या खले थे सुल्तानी, कमली में वगन अपनी रहता है गदा तेरा। ठीक है, इसी तरीके से है तेरी राह में खाक हो जाऊँ मरकर, यही मेरी हुरमत, यही मेरी आबरू। शाखा बरीदा से सबक न दोस्त होके तू, न आशना है कायदा रोजगार से। हर जा बिछा रहा है सब्जा हर बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा बिछोने। हमको इनसे वफा की सी से उम्मीद, रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से। हम हैं मुश्ताक और वो बिजार, या इलाही या माजरा क्या है। बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी हो गई है। इसी तरीके से तू ही नजर आता है हर शहर में, ये मुहित उनको ये रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। जीवे तेरे दरपा, मरू तेरे दरपा, यही मुझको हजर, यही आरजो। शाखे बरीदा से सबक अंदोज होके तू, ना आशना है कायदा रोजगार से। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तितर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। चश्मे दिन खोल इस भी आलम, उस भी आलम पर, या की औकात ख्वाब किसी है। रही सबस बेफिक्र किश्ते सुखन, ना जूता, ना जूता क्या, मैं ना बोया क्या। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पड़ाव सोएंगे कुंजे मजार में। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट है आप लोगों का दर्ज दर्ज नसर पालों की तशरीह करनी है। बेटा आपने ये दो आपको सैकोस बाग वाले पेड़े आएंगे बेटा आपने करने हैं। जी जराफत मजार में इसका थी कि अगर आपको बेटा हैवान आता कि हैवान जरफ़ कहा जाए। ठीक है, दूसरा है सुर्ख और बतूनी परिंदों में उल्लू का मरतबा बहुत बुलंद है। इसी तरीके से
इस फैसले ने अलगू चौधरी अलगू जुम्मन की दोस्ती को जड़ें हिला दी, तना दरख्त हक्का एक झोंका भी ना सह सका। वो भी अब मिलते थे मगर वो तेरों सुपुर्द की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्त की गुदारी के ख्याल दूर ना होता था, इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। तो ये पहला मिर्जा की नींद आमोश है किस तरह सैरना होती थी। अहले शहर तोहफ़ाना भेजते थे, खुद बाजार से मंगवाते थे, बाहर से दूर दूर काम बतौर सौगात के आता था, मगर हजरत का जी नहीं भरते थे। नवाब मुस्तफ़ा खान आकल दे एक सूबे में मौलाना फजल हक को देह बा मौजूद थे, और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो बेटा इसी तरीके से नेक्स्ट है सवालत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्जा के कलाम के बारे में क्या फरमाया कि मिर्जा का कलाम आ है और मीर का कलाम आ है, मिर्जा का कलाम वाह है। अलगू चौधरी का फैसला सुनकर जमन का रद्दमल क्या था। नियाजी ने अपनी तस्वीर अख्तर के हवाले क्यों की थी। बंदूक चले तो कभी क्या करते हैं, काई काई करते हैं। तो जमन ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई थी। सका बिन हर्षम कैसे तय हुआ। हजरत बी कौन थी, उन्होंने सलीम को। हजरत बी वो तीन लड़कों की दादी अम्मा थी या क्या थी या नानी थी। बेटा ये अपने याद कर जाने, अच्छे से याद कर रहे। सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। इसी तरह बेटा इस पेपर के सवाल आता है, हाफज आलम ने मुसलमान को दिल्ली जाने का हुक्म क्यों दिया। किसकी तबीयत में मरवत और लिहाज बदरजा गायत है। दिल्ली कभी को बेकार छोड़ने से क्या होता है। हजरत बी ने लड़के को सलाम ना करने पर क्या नसीहत की। छोड़ के लुजकी से इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है। शायरी इस तरह में गजल से क्या मुराद है। अकबाल के बकौल अहद खजा किसके वास्ते जवाल है। तशबिया की तरीक करें और एक मिसाल दें। बेटा मदरजाई में से किसी एक सबक का खुलासा लिखने कहली या कदरियाज का। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे खुलासे जो इंपॉर्टेंट है कदरियाज और कहली का इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फर्स्ट टाइम है और सेकेंड टाइम में उम्मीद है कि इनमें से एक है जो है वो लाजमी तौर पर आप लोगों से पूछ ले जाएगा। बाकी बेटा आपको मैंने बताया हुआ पहले छः चैप्टर के आपने लाजमी करने हैं, लेकिन ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश करनी है कि इनको तो लाजमी याद करो ना, बाकी तो चलो ये बात की बात है। इसी तरीके से बेटा छोट नज़म बरसात की बहारें का मरकजी ख्याल और शायर का नाम लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड पे है नज़म पवस्ता राही शजर से का मरकजी ख्याल या खुलासा। पेपर में बेटा मरकजी ख्याल ही मोस्टली आता है, खुलासा भी आ सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मरकजी ख्याल भी याद कर दें और खुलासा भी याद कर दें, ठीक है। खुलासा थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन मरकजी ख्याल बेटा थोड़ा सा छोटा होता है। छोटे भाई के नाम पर हाई में अदम दिलचस्पी का खात या अपने दोस्त के नाम खत लिखें, यकीन इसे बहन की शादी में फजूल खर्ची से बचने की तलकीन करें। बेटा आपने हेल्थ ऑफिसर के नाम हाले की सफाई के लिए दरख्वास्त करनी, अपने नाराज दोस्त को मनाने के लिए खत। बेटा इस साल जो है वो ये ऑप्शन आ रहा है कि आपको खत या दरख्वास्त में से एक चूज़ करना होगा, ठीक है। खत या दरख्वास्त में से आपने एक चूज़ करना है और जो है वो इनको लगाना है, या तो आपने खत करना या दरख्वास्त करना। दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा या दो हम जमात तालब इलम के दरमियान इम्तहान की तैयारी से मुतल्लिक़ मुकालमा। इसी तरह बेटा यहाँ पे है अपने अतफाक में बरकत या कहानी आएगी पेपर में, या तो बेटा आप लोगों को मुकालमा आएगा। ये इस साल मेन जो है वो स्कीम फॉलो हो रही है, ये पेपर आपके लिए अहम है, ये चीज़ें आपने लाजमी याद करनी, लेकिन जो स्कीम इस साल फॉलो होने जा रही है वो ये वाली है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर साइड पर दिख रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है दर्ज झेल जुमलों की दुरुस्ती कीजिए। फातिहा ना दर्द दरूद मर गया नमरूद, हमारे कोलो फेल में तराजू नहीं होना चाहिए। तजाद सिपाही खाने को टूट पड़े, जब तक सांस तब तक आस तगनी का नाच नहीं चाहिए। दिल ने चाहा तो ज़रूर आऊँगा, आसमान ने शिगिर्द पढ़ाया लोग, लड़कियों ने कहा हम खाना खा रही हैं, ठीक है। हसीब मनीब और मजीब आया, दस जग पाँच बेटे का ग्रास टूट गया। इसी तरह बेटा काट की हंडी, ठीक है, पाक रहो साफ रहो बाक बेबाक रहो। जबान खलक को बख्शू भी बिल्ली, दिल को दिल से राह होती है, ठीक है। बारह वर्ष दिल्ली में रहे, बहुत अच्छा बदनाम बोला, फकीर की सूरत बात कटाई में पड़ गए तवीले की पड़ा, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए पेपर था जो कि आपके साथ शेयर किया। बेटा कोशिश करनी है आपने इनको लाजमी याद करें, इनको रट्टा मारें जैसे मर्जी आपको याद होना चाहिए, इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से काफ़ी पोर्शन हल हो जाएगा। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है आपको पता है क्या करने का, बेटा यहाँ से वीडियो को लाइक करना है तमाम बच्चों ने जल्दी जल्दी, और बेटा इससे नोटिफिकेशन बेल को आपने आर पे लाजमी सेलेक्ट कर देना है ताकि बाकी पेपर्स की वीडियोज आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो बेटा आपको यहाँ पे हमारे जो बाकी लिंक्स हैं वो भी दिख जाएंगे, आप लोग इनको भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब वगैरह कर दें ताकि इन पर भी जो चीज़ें अपलोड होती हैं वो आपको मिल जाएँ। सो बेटा बेस्ट विशेज फॉर जो बाकी स्कीम अपलोड है आप लोगों के लिए, बाकी मटेरियल भी अपलोड कर दिए, आप लोग लाजमी तौर पर इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ ताफ़र वाला करें, और तमाम बच्चे जो किस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।